हेलो, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिब्बों की रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, आप लोग देखते रहिएगा बिल्कुल, और वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, तभी मेरा आप लोगों को रेसिपी समझ में आएगा। तो ये हम लिए हुए हैं चने का सत्तू है, चने का सत्तू हम एक कटोरी लिए हैं छोटी कटोरी से, और ये हम प्याज काटे हुए हैं, प्याज को बिल्कुल पतले पतले छोटे छोटे काट लेना टुकड़े में। ये हम प्याज डाल देंगे इसमें, और ये है लहसुन, आप देख सकते हैं ये लहसुन है, लहसुन को हम बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े में काटे हुए हैं, बारीक बिल्कुल काट लिए हैं। और ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च को भी हम छोटे छोटे टुकड़े में बारीक बारीक काटे हुए हैं। और ये है हरा धनिया, हरा धनिया भी हम इसमें डाल देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे अजवाइन, अजवाइन बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है, तो आप लोग भी सभी लोग जरूर खाया करिए। इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर दिए हैं, और ये है मंगरेला, इसे कलौजी भी बोला जाता है, ये मंगरेला है, आप लोग देख सकते हैं ये ऐसा छोटा छोटा काला काला जो होता है वो मंगरेला है, इसे कलौजी भी बोलते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, एक चम्मच दो चम्मच बस, इससे ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। और अब ये हम जो नींबू लिए हुए हैं, आधा नींबू काट कर लिए हैं, तो नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे। नींबू का रस निचोड़ दिए हैं, और इसमें हम थोड़ा सा डाल रहे हैं अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर बहुत ही अच्छा होता है खाने में, तो आप सभी लोग भी डाला करिए, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। आप सभी लोग मेरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बीच में स्किप नहीं करिएगा वीडियो को। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसमें हम ऐड कर देंगे नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, नमक अगर आप लोगों को कम लगे तो और डाल सकते हैं, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें हम बहुत हल्का सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत थोड़ा सा पानी, और इसे भी अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हम बनाने जा रहे हैं सब्जी, तो आप लोग, और हम जा रहे हैं यहाँ बनाने सब्जी, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं सरसों का तेल, आप जो भी तेल खाना पसंद करते हैं उसको डाल सकते हैं। और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम आपको दिखाते हैं, हमारा तेल गर्म हो गया है, ये हम डाल रहे हैं, पहले इसको फ्राई करेंगे हल्का सा, इसे हम बरी बोलते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके, इसे बरी बोलते हैं। आज हम सब्जी बना रहे हैं आलू बरी की, तो हम यहाँ आलू उबाल कर ले लिए हैं, उबाल कर आलू लिए हुए हैं, और इसको पहले हम तेल में फ्राई कर लेंगे हल्का सा। इसे बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, बस एक या दो मिनट, और अब हम इसे निकाल लेंगे।
तो ये आप देख सकती हैं कि ये फ्राई करने के बाद ऐसा हो गया है, बिल्कुल रेड रेड। बस हल्का सा ही किया जाता है तेल में इसे। और अब हम सब्जी में मसाला डालेंगे, आपको दिखा देते हैं मसाले में क्या क्या पीसेंगे। तो हम ये लिए हुए हैं सूखा लाल मिर्च, 4 से 5 सूखा मिर्च है। और ये प्याज हम काट कर लिए हुए हैं छोटे छोटे टुकड़े में, क्योंकि इसे हमें पीसना ही है तो हम ऐसे काट लिए हैं। और ये लहसुन है, ये काली मिर्च हम लिए हुए हैं 1 चम्मच काली मिर्च है, खड़ा जीरा 1 चम्मच लिए हैं, और खड़ा धनिया है ये हमारा 1 चम्मच। सारे मसाला हम पीस लेंगे। और अब इसमें हम ये प्याज लिए हैं, पतला पतला काट लिए हैं। प्याज का पहले हम तड़का लगा देंगे। तो प्याज हम डाल दिए हैं, प्याज को हल्का ब्राउन करना है। आप सभी लोग इस तरीके से एक बार ज़रूर सब्जी बनाइएगा, और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरा रेसिपी कैसा लगा। तो आप प्याज आप देख सकते हैं कि ब्राउन हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना ही रहेगा। और जो ये हम आपको मसाला दिखाए थे, खड़ा मसाला पीस लिए हैं, तो हम इसमें मसाला डाल देंगे। और इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला को हम कम से कम 5 से 7 मिनट भूनेंगे, क्योंकि मसाला अच्छे से भून जाएगा तभी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे हम भून लेंगे, गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम रखेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छे से भून आ रहा है और तेल छोड़ने लगा है। तो इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर हम ये काट के लिए हुए हैं छोटे छोटे टुकड़े में, 2 टमाटर काट लिए हैं, तो टमाटर को भी डाल देंगे इसमें, जो मसाला के साथ ही टमाटर भी भून जाएगा अच्छे से, और बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। मसाले को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मसाला जो है तेल हल्का हल्का छोड़ने लगा है, लेकिन इसे अभी हमें 5 मिनट और भूनना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम आलू के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं ऐसे। और अब हमारा मसाला जो है भून कर रेडी हो गया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोड़ रहा है तेल, तो मसाला का यही पहचान है कि अच्छे से भून कर रेडी हो गया है, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें जो हम ये आलू काट कर रखे हुए हैं छोटे छोटे पीसेस में, पहले इसे हम डाल देंगे, और इसे हम 2 मिनट तक मसाला में ऐड कर लेंगे, अच्छे से चला देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए आलू में। तो आप लोग देख रहे हैं ना, सब्जी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, केवल 2 मिनट हम भूनेंगे। हमारा 2 मिनट हो गया है, और जो ये बड़ी हम फ्राई करके लिए थे इसे भी इसमें डाल देंगे।
इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हम ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं तो इसमें हम पानी डालेंगे। आप चाहे तो ग्रेवी गाढ़ा रखना चाहती हैं तो पानी आप थोड़ा कम कर सकती हैं, अगर पतला रखना है तो थोड़ा सा और डाल सकती हैं। बिल्कुल भी सब्जी बहुत ही सब्जी अच्छी टेस्टी बनने वाली, लाजवाब टेस्टी सब्जी बनेगा, तो आप लोग भी सभी लोग ट्राई कीजिएगा। और इसे अब हम ढक देंगे 2 मिनट पकने के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए जो हम पानी डाले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही, और ये बिल्कुल रेडी है अब बनकर। इसमें हम धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, ये धनिया पत्ती काट के रखे हैं तो इसमें हम धनिया पत्ती डाल देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है बनकर। आप सभी लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और हमारी सब्जी रेडी हो चुका है, जो ये हम सत्तू बना के रखे हैं आपको दिखाए थे। हम आटा भी कर लिए हैं, गूंथ कर रख लिए हैं, बिल्कुल रेडी है। तो हम आपको बना कर दिखाते हैं इसे कैसे बनाना है। गैस पे तवा हम रख दिए हैं, जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है हम आपको बना कर दिखाते हैं। इसमें हम सत्तू ऐसे करके पेड़े बना के, और इसमें सत्तू ऐसे ले लेंगे। आप सभी लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है ये। और इसे हम इस पे रख के और बेलन से ऐसे कर लेंगे, हल्के हल्के हाथों से करेंगे। इसे हम तवे पे डाल देंगे। तो जब तक वो मेरा तवा पे सेक रहा है, तब तक हम आपको दूसरा बना के दिखाते हैं। इसे ऐसे लेना है सत्तू को, ऐसे करके बीच में, और इसे चारों तरफ से हमें इसका मुंह बंद करना है, ऐसे करके गोल गोल घुमाते हुए। बहुत ही आसान है बनाने में। इसे हम पलट देंगे, और इसमें हम घी या तेल आप कुछ भी लगा सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। तो हम यहाँ घी लगा रहे हैं, आप जो भी खाना पसंद करते हैं लगा सकते हैं। इसे हम हल्का हल्का प्रेस देते हुए इसे पलट लेंगे। इधर भी लगा देंगे घी हम। तो ये देख रहे हैं बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। एक जब तक वो बन सेक रहा है तवे पे, तब तक हम दूसरा बना लेंगे। और इसे अब ये मेरा हो गया है बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है, बिल्कुल लाल लाल सेक कर तैयार हुआ है। अब इसे हम दूसरा डाल दिए हैं तवे पे। इसे हम पलट देंगे, इधर का हो गया है। इसे हम घी अब इसमें भी लगा देंगे।
देख रहे हैं बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल फूल जा रहा है, फूला फूला बिल्कुल बन रहा है। आप सभी लोग जरूर बनाइएगा सत्तू का पराठा इस रेसिपी से, बिल्कुल अच्छा बनकर तैयार हुआ है, रेडी है। तो ये देखिए बिल्कुल मेरा सत्तू का पराठा और ये आलू और टमाटर की बड़ी की सब्जी बिल्कुल रेडी है बनकर। तो आप सभी लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बरसात के मौसम में बहुत ही टेस्टी बनता है, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो आप सभी लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप सभी लोगों ने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों का कैसा बना आलू और बड़ी की सब्जी और सत्तू का पराठा, ज़रूर बनाइएगा लोग इस रेसिपी से। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूला करिए फ्रेंड्स। आप सभी लोगों ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बिल्कुल नहीं भूला करिए प्रेस करना। अगले वीडियो में हम आपसे फिर कल मिलेंगे कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान दीजिएगा। ओके, बाय।